धर्म के सारे ग्रंथ शूद्रों के अगेंस्ट हैं, कोई उनके फेवर में नहीं है, पर हम उधर ही जाते हैं। 9 दिन के नवरात्र रख के भूखे रहने से अच्छा है 9 दिन भारत के संविधान को उठाकर पढ़ो, कम से कम अपने हक और अधिकारों के बारे में पता चलेगा, कोई आपको वायलेट नहीं करेगा। अंधविश्वास पर कभी ना चलो, क्योंकि पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ो तो मिले ज्ञान। पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ो तो मिले ज्ञान। मंदिर जाने से भगवान मिले तो ब्राह्मण क्यों मांगे दान। मंदिर जाने से भगवान मिले तो ब्राह्मण क्यों मांगे दान। अंधविश्वास के खिलाफ अपने परिवार वालों से भी लड़ना पड़ जाए तो लड़ लो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। एक बात और है, जब शूद्रों का ग्रुप पहाड़ों की तरफ भागता हुआ जाता है, ये गाता हुआ जाता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तब उनका दिमाग ये क्यों नहीं सोचता कि माता उन्हें पहाड़ों की तरफ ही क्यों बुलाती है, यूनिवर्सिटीज की तरफ क्यों नहीं बुलाती। मैया को यूनिवर्सिटी का रास्ता नहीं पता, या फिर वो तुम लोगों को बुलाना नहीं चाहती। पंजाबी में कुछ लाइंस हैं, और रविदास कबीर नु नहीं मनदे तुसी हर त्योहार मनाउंदे हो, और रविदास कबीर नु नहीं मनदे तुसी हर त्योहार मनाउंदे हो, जे ब्राह्मण देकर भीम नहीं क्यों तुसी गणेश ते आउंदे हो, जे ब्राह्मण देकर भीम नहीं क्यों तुसी गणेश तो ते आउंदे हो। तुसी उना ते उना ले रहन दवो, इतिहास नु अपने जान लवो, सानू 33 करोड़ दी लोड़ नहीं, कुछ अपने ही पहचान लवो, सानू 33 करोड़ दी लोड़ नहीं, कुछ अपने ही पहचान लवो। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने आपके लिए इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी, सिर्फ आपकी अच्छी लाइफ के लिए स्ट्रगल किया, तो उनके बताए रास्ते पर चलो, उनकी गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करो, तभी कुछ बनेगा। जब तक आप हो तब तक हर दिन उनको याद करो और याद रखो, और बच्चों को उनके बारे में बताओ, जैसा समाज वो चाहते थे वैसा बनाओ, यूनिटी में रहो, क्योंकि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे, इसलिए घर से निकलो तो हाथ पकड़कर निकलो जंजीर की तरह, इसलिए घर से निकलो तो हाथ